दोस्तों, अगर आपका बजट है 15 से 20 हजार रुपया और इस टाइम में रहते हुए अगर आपको स्मार्टफोन मार्केट में परचेस करने जाते हो, आपके सामने दो ही प्रोसेसर के यहाँ पे ऑप्शन रहता है। पहला वाला है स्नैपड्रैगन का 695, दूसरा वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 चिपसेट का। अब आपको समझ नहीं आता है यार, हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा? फिकर नॉट, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इन दोनों ही प्रोसेसर को कंपेयर करके पार्ट बाय पार्ट कि आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर कौन सा होने वाला है और किसका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाला है, कौन सा वाला ज्यादा लॉन्गजेविटी आपको देने वाला है। आपके सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिला दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हो टेक्नोजॉलॉजी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो पे अभी तक एक लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो। एंड ऐसे ही प्रोसेसर रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड उस बेल बटन को भी दबा के रख सकते हो ताकि बाद में जाके भी अगर कोई स्मार्टफोन परचेस करना हो, हमारा जो वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। एट फर्स्ट मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखो, ये जो दोनों प्रोसेसर है, दोनों अलग अलग कंपनी की तरफ से आते हैं। अब आपको खुद यहाँ पे देखना है आपका रिक्वायरमेंट कौन सा है। आप में से ज्यादातर लोग यहाँ पे गेमिंग वगैरह करते होंगे, गेमिंग के लिए स्मार्टफोन ले रहे होंगे, तो आपको वीडियो के लास्ट तक ज्यादातर चीज पता चल जाएगा इस वीडियो को देखते देखते कौन सा वाला आपके लिए गेमिंग में अच्छा रहेगा। अगर आप में से कोई यहाँ पे नॉर्मल यूजर्स के लिए लेना चाहते हो, लाइक पढ़ाई करने के लिए या फिर नॉर्मल से डेली टू डेली लाइफ यूजर्स के लिए लेना चाहते हो, इन दोनों प्रोसेसर में कौन सा अच्छा होगा, उस चीज को भी देखने के लिए इस वीडियो को अच्छे से दिमाग से देखना, नहीं तो आप बहुत ज्यादा पछताओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इन दोनों प्रोसेसर का लॉन्च डेट के बारे में बात करूंगा, बिकॉज हमको लेटेस्ट चीज चाहिए। अगर आप एक पैसा पे कर रहे हो, आपको लेटेस्ट जनरेशन वाले चिपसेट के साथ ही जाना चाहिए। अगर आप स्नैपड्रैगन 695 को देखो तो इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में एंड मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 को लॉन्च किया गया था अगस्त के 2021 में। सो यहां पे जो स्नैपड्रैगन का 695 है वो थोड़ा सा लेटेस्ट प्रोसेसर है और मेरे ख्याल से यहां पे लेटेस्ट होने के नाते इसको थोड़ा बहुत वोट देना चाहिए। इन दोनों ही प्रोसेसर के सीपीयू क्लॉक स्पीड के बारे में आपको ज्यादातर जानकारी लेना चाहिए। जी हां दोस्तों, दोनों का जो सीपीयू क्लॉक स्पीड है, बहुत ही बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। Snapdragon 695 में आपको दो कोर देखने को मिलेंगे जिसको 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक किया गया है। Cryo 660 गोल्ड देखने को मिलेगा और Cortex A78 देखने को मिलेगा और एक सिंगल कोर भी देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको 1.7 गीगाहर्ट्ज़ देखने को मिलता है Cryo 660 सिल्वर के साथ और इसके अंदर Cortex A55 देखने को मिलता है। अदर साइड में MediaTek Dimensity 810 के अंदर भी आपको सेम एज लाइक डुअल कोर देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको क्लॉक स्पीड में थोड़ा सा अंतर देखने को मिल जाएगा बिकॉज इसके अंदर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक का मैक्सिमम क्लॉक स्पीड दिया गया है। साथ ही साथ Cortex का A76 देखने को मिल जाता है और एक जो सिंगल कोर आपको देखने को मिलता है उसके अंदर आपको 2 गीगाहर्ट्ज़ तक का मैक्सिमम क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको Cortex A55 देखने को मिलता है। सो अगर आप दोनों को यहां पे सामने रख के तुलना करो तो यहां पे MediaTek वाले में आपको 76 देखने को मिलता है Cortex वाला एंड दूसरे साइड में अगर आप Snapdragon को देखो तो वहां पे Cortex A78 देखने को मिलता है। सो यहां पे जो MediaTek का है वो थोड़ा सा लोअर है और यहां पे जो Snapdragon वाला है वो थोड़ा सा हायर है Cortex के तुलना में। बट अगर आप यहाँ पे जज करो असली तरीके से तो यहाँ पे आपको जो क्लॉक स्पीड है MediaTek Dimensity 810 में ज्यादा देखने को मिलेगा बिकॉज यहाँ पे आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक का मैक्सिमम क्लॉक स्पीड देखने को मिलता है। अदर साइड में जो Snapdragon का चिपसेट है उसके अंदर आपको 2.2 गीगाहर्ट्ज़ तक का क्लॉक स्पीड देखने को मिलता है। बट यहाँ पे जो सिंगल कोर है उसके अंदर भी 2 गीगाहर्ट्ज़ दिया गया है Dimensity में। इस साइड में Snapdragon में आपको 1.7 गीगाहर्ट्ज़ का स्पीड देखने को मिलता है। तो ऑन पेपर अगर देखा जाए तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगा Dimensity 810 बिकॉज इसके अंदर जो चिपसेट है उसमें थोड़ा सा ज्यादा बूस्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे परफॉर्मेंस के तुलना में। अदरवाइज दोनों ही प्रोसेसर का यहाँ पे जो सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो 6nm का आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। 6nm आर्किटेक्चर वाले जो चिपसेट होते हैं दोनों में ही आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा पावर एफिशिएंसी देखने को मिलेगा। जो बैटरी है दोनों फोन में ही ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा। सो 6nm में मेरे ख्याल से दोनों ही अच्छे चिपसेट है। जीपीयू के बारे में बात की जाए तो दोनों में बहुत ही ह्यूज आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोनों का जो जीपीयू है अलग अलग है। स्नैपड्रैगन 695 में आपको मिलता है एड्रिनो का 619 जीपीयू जो कि 840 मेगाहर्ट्ज़ में रन करता है। अदर साइड में आपको MediaTek Dimensity 810 में मिलता है माली का G57 GPU जो कि 850 मेगाहर्ट्ज़ में रन करता है। सो MediaTek वाला जो चिपसेट है इसके अंदर 10 मेगाहर्ट्ज़ ज्यादा यहां पे रन करता है ये जो चिपसेट है। थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको MediaTek के चिपसेट में देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा है, ज्यादा मत समझ लेना इसको। अब चलते हैं रैम सपोर्ट की तरफ। रैम सपोर्ट इन दोनों ही प्रोसेसर में सेम टू सेम देखने को मिल जाता है। दोनों ही प्रोसेसर के अंदर आपको 16GB तक का अप टू रैम सपोर्ट देखने को मिलता है। दोनों ही प्रोसेसर डुअल चैनल रैम को सपोर्ट करते हैं। दोनों ही प्रोसेसर में आपको LPDDR4X रैम टाइप देखने को मिलता है एंड दोनों ही यहाँ पे 2133 मेगाहर्ट्ज़ पे रन करते हैं। दोनों ही प्रोसेसर का जो रैम सपोर्ट है 2133 मेगाहर्ट्ज़ है। सो रैम सपोर्ट में दोनों ही प्रोसेसर एकदम सिमिलर है। स्टोरेज सपोर्ट देखा जाए तो दोनों ही प्रोसेसर के अंदर थोड़ा थोड़ा अलग यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्नैपड्रैगन चिपसेट के अंदर आपको मिलता है EMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप, साथ ही साथ UFS 2.2 को भी ये सपोर्ट करता है। अदर साइड में Dimensity 810 सपोर्ट करता है सिर्फ और सिर्फ UFS 2.2 को। सो यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा बेहतर है हमारा स्नैपड्रैगन का 695। कैमरा सपोर्ट के बारे में
बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको बहुत ही ज्यादा अंतर देखने को मिलेंगे। जो स्नैपड्रैगन का चिपसेट है यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन आपको देखने को मिल जाता है। इस वाले चिपसेट के अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा, विद 16 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। अदर साइड में डायमेंसिटी 810 में मिलता है 64 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा सपोर्ट एंड 16 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सपोर्ट। जैसे कि मैं बता रहा था यहाँ पे आपको वीडियो रिजोल्यूशन में भी मतलब वीडियो शूटिंग में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको डिफिकल्टीज देखने को मिल सकते हैं स्नैपड्रैगन 695 में, बिकॉज यहाँ पे लिमिटेशन कंपनी ने बहुत ज्यादा किया इस वाले चिपसेट के साथ। इस वाले चिपसेट के अंदर आपको मिलता है 1080p 60fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट। अदर साइड में अगर आप डायमेंसिटी 810 को देखो तो ये 2K 30fps तक के वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकता है, तो थोड़ा सा बेटर आपको कैमरा देखने को मिल जाता है डायमेंसिटी 810 में। और कोडेक के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दूं, अभी के टाइम में अगर देखा जाए ना ये कोडेक वगैरह वीडियो के अंदर बहुत ही सारे आ चुके हैं। इससे पहले H.264 वाला जो कोडेक था वही ज्यादा यूज होता था, बट अभी लेटेस्ट कोडेक निकल के आया है H.265। ये जो कोडेक है ये जो फाइल साइज है ना उसको छोटा कर देता है कंप्रेस करके, बट जो क्वालिटी रहता है वो अच्छा रहता है। सो यहाँ पे ये जो दोनों ही ब्रजर है दोनों ही H.264 H.265 दोनों को ही सपोर्ट करता है। दोनों कोडेक से आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो इन दोनों ही प्रोसेसर के अंदर। सो थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफिकल्टीज मिल सकते हैं। अगर मैं कैमरा के तरफ से देखूं तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगा ये जो डायमेंसिटी का 810 है यही वाला प्रोसेसर। अदरवाइज डिस्प्ले आपको दोनों में ही सेम देखने को मिल जाएगा, फुल HD प्लस के डिस्प्ले ये सपोर्ट करते हैं। आपको यहाँ पे डिस्प्ले में दोनों ही प्रोसेसर में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करेंगे LTE मॉडेम के बारे में, बिकॉज अभी जो जमाना आ रहा है ना LTE मॉडेम आपको जानना ही पड़ेगा। दोनों ही ब्रजर के अंदर LTE मॉडेम आपको देखने को मिलता है, इंटीग्रेटेड 5G दोनों ही सेम टू सेम है। यहाँ पे आपको दोनों ही ब्रजर के अंदर LTE Cat 18 दोनों ही यहाँ पे मॉडेम देखने को मिल जाता है। डाउनलोड स्पीड के बारे में बात की जाए तो दोनों ही ब्रजर में डाउनलोड और अपलोड स्पीड आपको थोड़ा बहुत अलग अलग देखने को मिलता है। यहाँ पे स्नैपड्रैगन का जो 695 है ये डाउनलोड स्पीड देता है 800 Mbps तक का एंड अपलोड स्पीड देता है 210 Mbps तक का। अदर साइड में अगर डायमेंसिटी 810 को आप लोग देखो तो ये डाउनलोड स्पीड देता है 1200 Mbps तक का एंड जो अपलोड स्पीड देता है 200 Mbps तक का। सो ओवरऑल अगर देखा जाए डायमेंसिटी 810 वाला चिपसेट आपको ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है डाउनलोड और अपलोडिंग स्पीड में, या फिर थोड़ा सा बेटर स्पीड आपको डायमेंसिटी 810 में ही देखने को मिलता है। अब वाईफाई और ब्लूटूथ के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए, बिकॉज अभी वाईफाई और ब्लूटूथ जो है ना वो थोड़ा बहुत आगे निकल चुके हैं, बिकॉज समय की तुलना में जो चीजें होते हैं वो बदलते रहते हैं। सो यहाँ पे अगर डायमेंसिटी 810 और स्नैपड्रैगन 695 को आप तुलना करो तो स्नैपड्रैगन 695 के अंदर आपको वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है। अदर साइड में डायमेंसिटी 810 सपोर्ट करता है सिर्फ और सिर्फ वाईफाई 5 को और ब्लूटूथ वर्जन 5.1 को सपोर्ट करता है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए हमारा स्नैपड्रैगन का 695 जो है ये एक लेटेस्ट प्रोसेसर है, साथ ही साथ लेटेस्ट वाईफाई लेटेस्ट ब्लूटूथ कनेक्शन को भी ये सपोर्ट करता है। सो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जो कि ये थोड़ा सा आगे निकल जाता है। अब सबसे मेन चीज के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं, यहाँ पे एंटूटू बेंचमार्क स्कोर के बारे में बहुत ही सारे चीजें जानना चाहते हो आप लोग, बहुत ही सारे ऐसे बंदे हैं जो कि फोन खरीदने के लिए सोच रहे हैं, गेमिंग करने के लिए सोच रहे हैं। सो ये जो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर है ना ये आपका जो इरादा है उसको टोटली बदल देगा। अगर आप स्नैपड्रैगन 695 को देखो तो इसका जो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर है लगभग 4,900 के करीब करीब अप्रोक्स आप पकड़ सकते हो। अदर साइड में अगर डायमेंसिटी 810 को देखो तो इसका जो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर है आपको 3,90,000 तक चला जाता है। सो ओवरऑल 10,000 का यहाँ पे फर्क देखने को मिल जाता है, 10 से 9,000 तक का फर्क है। सो अगर मैं यहाँ पे एंटूटू बेंचमार्क स्कोर या फिर परफॉर्मेंस की तरफ से देखूं तो मेरे को स्नैपड्रैगन का 695 थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगा गेमिंग परफॉर्मेंस के तुलना में। अब लास्ट बट नॉट फॉर द लिस्ट यहाँ पे और एक चीज बताना चाहता हूँ, आप लोग गीकबेंच स्कोर के बारे में तो सुने ही होंगे। सो गीकबेंच स्कोर में भी यहाँ पे आपको ह्यूज डिफरेंस वगैरह देखने को मिल जाता है दोनों ही ब्राउज़र के अंदर। गीकबेंच में स्नैपड्रैगन 695 परफॉर्म करता है सिंगल कोर में 698 एंड मल्टी स्कोर में 2021 तक। अब यहाँ पे अगर अदर साइड में आप डायमेंसिटी 810 को देखो तो ये सिंगल स्कोर में परफॉर्म करता है 628 एंड मल्टी कोर में परफॉर्म करता है 1924 तक। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो ये स्नैपड्रैगन का जो 695 है ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। सो मैंने जैसे कि आपको कहा परफॉर्मेंस की तुलना में अगर आप देखो तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 695 5G वाला चिपसेट है थोड़ा सा ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको देता है। बट आप मत समझना है कि ये डायमेंसिटी का 810 जो है ये खराब चिपसेट है, आप पहले से ही सुनते हुए आ रहे थे ज्यादातर चीजों में जो डायमेंसिटी का 810 है ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट परफॉर्मेंस की तुलना में अगर आप देखो तो आपको ये जो स्नैपड्रैगन का 695 है ये अच्छा परफॉर्मेंस देता है। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे कि यार ये बंदा कह रहा है कि ये पहले ये अच्छा था अभी बता रहा है ये वाला अच्छा है, तो देखो ऐसा बात नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लेना है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट को आप लोग देख सकते हो। एंड अगर आपको डेली टू डेली लाइफ में कोई भी यहाँ पे लैग हैंग वगैरह देखना नहीं है, अच्छा खासा यहाँ पे आप चलाना चाहते हो फोन को, गेमिंग भी कर सकते हो, ऐसा नहीं गेमिंग नहीं कर सकते हो, सो डायमेंसिटी 810 को भी आप प्रेफर कर सकते हो। ओवरऑल दोनों ही प्रोसेसर अपने तुलना में अच्छे है। अगर प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो डायमेंसिटी 810 वाले जो चिपसेट आते हैं वो थोड़ा सा लोअर प्राइस में बिकते हैं एज कंपेयर एज स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट वाले स्मार्टफोन। सो यहाँ पे आप
आप अपने हिसाब से बजट को पकड़ते हुए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे फोन को चूज करना, गलती मत करना। मैंने यहाँ पे पूरा खुलासा कर दिया दोनों ही प्रोसेसर का। ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा जरूर बताना, और इससे पहले भी मैंने जो प्रोसेसर के जो कंपेरिजन होते हैं मैं बनाता रहता हूँ, इससे पहले भी मैंने हीलियो G88 के साथ टाइगर T610 का मैंने कंपेयर किया था, उस वीडियो को भी अगर आप देखना चाहते हो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग देख लेना। अदरवाइज इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है डू लेट अस कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। मैं तो आपके साथ किस तरह के लेटेस्ट वीडियो में स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक के प्रोसेसर को कंपैरिजन करते हुए बहुत ही जल्दी। आज के लिए सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।